कोई भी अगर मतलब अल्पसंख्यक होता है ना, जी तो अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आज काफ़ी लंबे समय बाद ट्रेन में बैठा हूँ। अच्छा, और ये हमारा गोरखपुर एक्सप्रेस है, राप्ती एक्सप्रेस। ये देखिए आप, आजकल काफ़ी ट्रेन काफ़ी साफ होने लगे हैं। ये देखिए मैं इसी 3 टायर में बैठा हूँ और मैं देहरादून टू शाहजहाँपुर जा रहा हूँ। सो शाहजहाँपुर पहुँचने के बाद अपडेट देता हूँ। सो काफ़ी अच्छा फैसिलिटी लग रहा है आजकल। ये देखिए ट्रेन में काफ़ी रिजर्वेशन, खाली खाली सीट लग गई है। तो सर आपका अनुभव कैसा हो रहा है ट्रेन में बैठने के बाद? आप तो बैठते रहते होंगे। हाँ, मैं तो अक्सर ट्रैवलिंग करता हूँ और जो इंडियन रेलवेज़ का जो अभी इंतज़ाम है काफ़ी नीट एंड क्लीन है, जो आप भी देख ही रहे होंगे। जी जी। और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बहुत ही अच्छा, मतलब रेलवे को बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिया है। जी। और बहुत सारी ट्रेनेस भी दी हैं। जी। अच्छी अच्छी ट्रेनें भविष्य में आने वाली हैं, जैसा कि प्लान है गवर्नमेंट का। जी। लेट अस सी, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। बट आज अगर अभी की बात करते हैं तो अभी भी हम लोग बहुत ही शांति के साथ में और बहुत ही स्वच्छता के साथ में जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। सो गाइस, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है। तो बीजेपी को वोट कीजिए और अपना स्माइल करा रखिए, और हमें मिलने की एक जुटता की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसमें जब मोदी जी आए हैं तो काफ़ी देश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर एक, अब ये हमारा हर चीज़ डेवलपमेंट के राह में, ठीक है। महंगाई में मत जाइए, महंगाई बढ़ता है घटता है, ठीक है। ओके, सो व्यूअर्स टेक केयर। आप खुद ही देख सकते हैं ट्रेन की साफ़ सफाई, रख रखाव क्या मज़ेदार बना रखा है। मैं आई एम ऑल्सो सरप्राइज। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।